माय राइट माय मोरेटोरियम। हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो हिट मी 05। मोरेटोरियम आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार होना चाहिए। क्या मोरेटोरियम हमको सबसे भीख मांगने की ज़रूरत है या हमें चाहिए और ये मेरा अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट, RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा डेट पे डेट देते जा रही है और रिकवरी एजेंट हमें परेशान कर रहे हैं। क्या मोरेटोरियम हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम जब चाहें तब आपसे ले सके? अभी पैंडमिक के टाइम पे हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम EMI पे कर सके और हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, सुप्रीम कोर्ट पे, RBI पे डिपेंडेंट, अपने बैंकों पे डिपेंडेंट है कि वो हमें मोरेटोरियम देंगे तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए और अब ऐसा नहीं चलेगा। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं तुरंत वहाँ पर एक अपना हैशटैग चलाऊँगा, #MyRightMyMoratorium, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिए। इसको हम लोग को ट्रेंड करना है और वहाँ तक पहुँचाना है और उनके कानों तक ये बात पहुँचाना है कि मोरेटोरियम हमें सिर्फ चाहिए नहीं, हमारा अधिकार है। जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट 13 तारीख को सुनवाई देने वाली है, उसमें क्या वर्डिक्ट आता है, आपके फेवर में आता है, आपके कितने परसेंट आपके फेवर में आता है। क्योंकि जब भी ये लोग मोरेटोरियम या मोरेटोरियम एक्सटेंशन की बात करते हैं या लोन रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बात तो ऐसा लगता है कि आपके फेवर में कर रहा है, पर फ़ायदा किसी को नहीं होता। उनके इतने ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, इतने रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं कि वो एंड ऑफ द डे आपको मिलता ही नहीं है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर चाहिए। कितनों के पास पेपर है? अभी हाल ही में RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी का गठन हुआ है, जो 9 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। इसमें मोरेटोरियम एक्सटेंशन और लोन का जो इंटरेस्ट वे ऑफ करने की बात को मेन प्रायोरिटी दिया जाएगा, पर सिर्फ बातें हैं। 9 तारीख को क्या फैसला आता है उस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, पर सुप्रीम कोर्ट का 13 तारीख को आता है, क्या उसमें और डेट मिलेगा? पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डेट ना मिले। आपको हम एक बहुत ही कमाल की बात बताते हैं। जब हम लोन रिकवरी की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे कानून हैं, बेसिकली 2 कानून हैं। हम लोग किसी के घर जा नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करके हम पैसा मांग सकते हैं। बेसिकली हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एज ए फाइनेंसर मैं आपको बता रहा है, मेरा इतना दायरा होता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको डराते धमकाते इन अच्छे वे कि आप हमको पैसे दे दो, नहीं तो आपके साथ सिविल स्कोर नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको अगले बार लोन नहीं मिलेगा। पर बहुत ही प्यार से, फेस पे एक स्माइल के साथ हम आपको बताते हैं। पर आजकल के जो रिकवरी एजेंट है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं, बस उनको अपने पैसे से मतलब है। उनको नहीं मतलब है कि आपके पास पैसा है कि नहीं, आप कमा रहे हो कि नहीं, आपका जॉब चला गया, कुछ भी नहीं। बस उनको इतने इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जाओ और पैसा लेके आओ। क्या ये सही है? क्या वो जो ऐसे कर रहे हैं वो सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि आज आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कल किसी और के साथ हो रहा है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बजाज वाले तो आजकल कुछ ज़्यादा ही करते हैं, वो कॉल करते हैं, धमकी देते हैं। और रिकवरी एजेंट जो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए किसी को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ID पे चले जाइएगा, HitMe05, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइएगा, उस PDF को डाउनलोड कीजिएगा। उनको बताइएगा कि अभी मेरे पास समय है। और कोई भी अगर मोरेटोरियम वो चाह रहा है, अगर वो चाह रहा है कि उसको मोरेटोरियम मिले, तो #MyRightMyMoratorium इसको ट्रेंड करवाना है। आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पर इस हैशटैग को यूज़ कीजिए। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट पे जाऊंगा और इस हैशटैग को चलाऊंगा। और जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, हमसे जुड़िए और इसको इतना रीट्वीट कीजिए कि उनके कानों तक ये बात जाए। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो HitMe05, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे अगर मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे पोस्ट को देखना चाहते हो, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मेरे साथ जुड़िए। हम इस तरह की मुहिम चलाते रहते हैं और उनके तक बात पहुंचाना है। और आप डरिए नहीं, जब तक सब साथ में है, आप लोग को अगर मोरेटोरियम चाहिए तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।